तो यार कैसे हो? फिर से हम आज का एक ब्रांड न्यूज ब्रांड टॉपिक वीडियो। तो यार आज भी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों में से किसी ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल के अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा पहला न्यूज़ की तरफ, जो कि SBS जेक यूट्यूब चैनल के बारे में। बेसिकली उनके जो यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर है कितना आप लोग देख ही सकते हो, 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन उनका व्यूज कितना आ रहा है देख सकते हो। मतलब इतना सब्सक्राइबर में इतना भी कम व्यूज कैसे आ सकता है? मैं जब इसको पहली बार देखा तो मैं हैरान, मतलब एकदम से चक गया। तो ये कैसे हो सकता है? तो क्या हो कि उन्होंने वीडियो डालना छोड़ दिया था, तो उसके जरिए उनका सब्सक्राइबर भी चले गया, सभी सब्सक्राइबर डिससब्सक्राइबर में हो गया, तो अभी उनके चैनल पर इतना कम व्यूज आ रहा है। तो यार अगर आप लोगों से कोई अगर यूट्यूबर है तो वीडियो डालना छोड़ मत, नहीं तो उनका जैसा और इस चैनल का जैसा, मतलब मेरा जैसा हाल हो जाएगा, वीडियो में व्यूज आना बंद हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि गार्नी सेन के ऊपर है। तो क्या हुआ कि कल उन्होंने उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे एक पोस्ट अपलोड किया, इसके अंदर उन्होंने बताया कि उनका जो प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट था वो बंद हो गया, वो बैंड हो गया। तो उन्होंने और एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया, उसका प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला था। तो यार अगर आप लोगों में से किसी ने अगर उनको फॉलो करते हो, गार्नी सेन को फॉलो करते हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ, जो कि मेरे ऊपर है। तो भाई इस चैनल का 1.5 लाख व्यूज पूरा हो चुका है। भाई 1.5 लाख व्यूज के लिए सभी को थैंक यू, दिल से थैंक यू। भाई हट कहाँ रहता है इधर, मतलब मैं कभी इतना सोचा नहीं था, मतलब मेरा चैनल पे इतना सारा व्यूज होंगे, मतलब थैंक यू यार, थैंक यू इतना सारा व्यूज देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। बस इतना ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो और एक अपडेट था मेरा चैनल के ऊपर है। ओके भाई इस चैनल का मैं नेम चेंज करने वाला हूँ, उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट अपलोड किया था, जिसके अंदर आप लोगों में से बहुत सारा लोग वोट भी किया था कि कौन सा नाम बेस्ट रहेगा, डेंजर मॉन्स्टर या हॉटएक्स न्यूज़। हॉटएक्स न्यूज़ क्यों है? क्योंकि मैं इस चैनल पे यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड सारा जो न्यूज़ है सभी कवर करता हूँ, और हॉटएक्स जो नेम है वो बिल्कुल यूनिक है, आप लोग को यूट्यूब में कभी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत कोशिश करके ये नेम क्रिएट किया हूँ। तो थैंक यू गाइस जिस लोगों ने अभी वोट किया है। अगर आप लोगों से किसी ने अगर वोट नहीं किया तो मेरा कम्युनिटी पोस्ट में अभी भी है, जाके वोट कर देना कौन सा नाम आपको सही लग रहा है। तो जब भी मेरा इस चैनल का 1.5 यूट्यूब फैमिली पूरा हो जाएगा तब मैं इस चैनल का नेम चेंज कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ, जो कि यूट्यूब के ऊपर है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में कि यूट्यूब में एक न्यू अपडेट आ चुका है, मतलब इतना घटिया अपडेट मैं इससे पहले यूट्यूब में कभी नहीं देखा, मतलब क्या ही बता सकता है। बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूब क्रिएटर भी बहुत नाराज है इस अपडेट से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ कि ये अपडेट क्या है। तो आप लोग यूट्यूब का होम पेज देख सकते हो, ये अभी का होम पेज है और ये पहले का होम पेज है, मतलब अपडेट का पहले का होम पेज और ये अपडेट का बाद अभी का होम पेज है। तो बेसिकली क्या होगा, ट्रेंडिंग पेज जगह पे इन्होंने शॉर्ट कर दिया, मतलब जो ट्रेंडिंग ऑप्शन था उसको हटा के शॉर्ट कर दिया, मतलब अभी हम लोग को बहुत ही बड़ा परेशानी होने वाला है। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग को ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए ट्रेंडिंग के ऊपर क्लिक करते ही सब कुछ ज़्यादा होता, मतलब यूट्यूब पे अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है सब कुछ मिल जाता था, लेकिन हमें अभी बहुत बड़ा परेशानी होने वाला है। तो इस अपडेट के ऊपर आशीष आचार्य ने यूट्यूब को क्या ट्वीट किया आप लोग पढ़ सकते हो, और उस ट्वीट को लेकर मनोज दे ने उनका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाला था। तो यार इस अपडेट के ऊपर मनोज दे क्या कहा आप लोग देखो। अभी YouTube का एक बकवास अपडेट जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था कि ट्रेंडिंग वाला जो है सेक्शन को हटा करके शॉर्ट्स कर दिया गया है। तो अभी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग एक काम करना है कि आप लोग जाइए ट्विटर पे और YouTube इंडिया को, टीम YouTube को टैग करके और ट्वीट कीजिए हर सब कोई कि वो वाला जो फीचर है वो हमें पसंद नहीं आया है, जैसा पहले था वैसा हो जाना चाहिए, वैसा ही कर दीजिए, शॉर्ट्स वाला सेक्शन को हटा करके जो ट्रेंडिंग पहले था वो ट्रेंडिंग ही कर दीजिए, ट्वीट कीजिए YouTube इंडिया को टैग करके। हम लोग अगर आवाज उठाएंगे तो ये चीज हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बकवास अपडेट था ये। इसके बाद स्लेपॉइंट ने क्या कहा आप लोग पढ़ सकते हो, ये क्या कर दिया यूट्यूब ने। तो भाई मुझे तो पर्सनली ये अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और हाँ प्लीज वोट दे देना कि कौन सा नेम इस चैनल के लिए सही रहेगा। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, और हाँ सभी को ईद मुबारक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा, जय हिंद।